पटना में आज रिजल्ट मांगने बीपीएससी गए छात्रों को पुलिस ने जमकर पीटा और फिर उनको थाने में लाकर बंद कर दिया। इस घटना में कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दरअसल साल 2018 में हुए सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा के परिणाम को लेकर परीक्षा में शामिल हुए छात्र आज बीपीएससी के मेन गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बिहार लोक सेवा आयोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद वहां पुलिस पहुंची और छात्रों को उस इलाके को खाली करने को कहने लगी, पर छात्र रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन पर अडिग थे। छात्रों का कहना था कि तकरीबन 2 साल बीत जाने के बाद भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अब तक उनके परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है। इस वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारी छात्रों को समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठी चार्ज किया और छात्र नेता गुंजन पटेल सहित 6 छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? झंडा से हटा दो, 2017 जल्द से जल्द जारी करे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में 75% वोट छात्र और युवा की जाती है और 2020 में ये छात्र विरोधी सरकार को छात्र और युवा बिहार के उखाड़ फेंकने के काम करेगी। अधिक जब तक छात्रों को न्याय नहीं हो जाता मिल जाता तब तक मुझे जेल भेजिए, हमारी टीम को जेल भेजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस संघर्ष करता रहेगा। धारा लगाई गई है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ पता नहीं है मजिस्ट्रेट क्या है, लोग ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहा है? बताया गया कि अभी आपको मेडिकल करा करके मजिस्ट्रेट क्या ले जाया जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो दमनकारी नीति हम नहीं चलेगी, युवा और छात्र जाग चुके हैं। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बेली रोड पर कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने लाठी चार्ज कर छात्रों को हटाया और बेली रोड को बिल्कुल खाली करा दिया, लेकिन लाठी चार्ज के बाद जिन छात्रों को हिरासत में लिया उनसे मिलने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सचिवालय थाना पहुंच गए और प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले। मदन मोहन झा ने सरकार के साथ बिहार लोक सेवा आयोग और पुलिस पर इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। खुलासा के लिए पटना से अनु प्रकाश की रिपोर्ट।